गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी द लास्ट क्वेश्चन 22nd. ये बाय मिस्टेक नंबर 21st डाला हुआ है. अ वेसल स्ट्रीम्स एट अ कांस्टेंट स्पीड वी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल अनदर स्ट्रीमिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कैपिटल वी कीप्स द फर्स्ट ऑलवेज एग्जैक्टली अ बीम शो दैट पाथ ऑफ आइदर वेसल रिलेटिव टू अनदर इज अ कॉनिक सेक्शन ऑफ इसेंट्रिसिटी स्मॉल वी बाय कैपिटल वी. वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वेसल स्ट्रीम कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड स्मॉल वी से, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग मीन्स जो हमारा फर्स्ट वेसल है वो हमारा ए पॉइंट पे और मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स ये हमने स्ट्रेट लाइन इसके अलोंग मूव कर रहा है, और जो हमारा विद वेलोसिटी स्मॉल वी. और जो हमारा सेकेंड वेसल है वो सेकेंड वेसल वो क्या कह रहा है, इट कीप्स द फर्स्ट ऑलवेज एक्जैक्टली अ बीम मीन्स देयर इज अ परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा. इसका मतलब जो सेकंड वेसल है वो फर्स्ट वेसल के कहने का मतलब हम क्या कहेंगे, देयर इज अ परपेंडिकुलर मीन्स ये जो ए और बी इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा 90 degrees, बिकॉज फर्स्ट वेसल एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलरली टू बी एज अ बीम बिकॉज इट एक्ट्स. सो दिस एंगल इज 90. यहाँ यही स्टेप आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल आपका यहाँ क्या बनेगा, 90 बनेगा, और जो ये सेकेंड जो आपका वेसल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कैपिटल वी. अब देखो नाउ ए बी, now we join this, now AB, this acts as a radius vector and this radius vector makes an angle theta with the x axis. Now components of small v, iske components along radial or transverse direction mein hum dekhe to is direction mein AB ki direction mein iska component kya ho gaya, v cos theta aur iske perpendicular, lekin niche aayegi direction isme component kya ho gaya, v sin theta, lekin transverse component humne kaun sa lena hai, the direction in which theta is increasing, so we consider upward direction, to jo component aayega wo kya aayega, minus v sin theta. ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और जो आपका सेकंड वेसल है, सेकंड वेसल ये है आपका B which moving with velocity capital V. अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है पाथ, पाथ ऑफ वन वेसल रिलेटिव टू अनदर, एक वेसल का पाथ दूसरे के रिस्पेक्ट में. अब एक का पाथ वो आप कोई भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, जैसे यहां हम जो बात कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं पाथ ऑफ वेसल बी विद रिस्पेक्ट टू वेसल ए, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी. तो सबसे पहले हमें पाथ वन वेसल का रिलेटिव टू अनदर फाइंड आउट करना है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए. बी की एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी माइनस एक्चुअल वेलोसिटी होगी, तो वो क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बात करनी है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग द रेडियस वेक्टर. अब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी ऑफ बी, बी की रेडियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, जीरो, बिकॉज बी की जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो क्या आएगा कि साइन थीटा वो तो क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस रेडियल वेलोसिटी ऑफ किसकी, ए की, और वो क्या हो जाएगी, स्मॉल बी कोस थीटा, तो क्या आएगा रिजल्ट आपके पास, माइनस वी स्मॉल बी कोस थीटा. अब हमने क्या निकालना है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस ट्रांसवर्स लेकिन रिलेटिव ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपने क्या लिखना है, एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एक्चुअल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए. अब बी की जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है मींस परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर वो तो आपकी कैपिटल बी ही है, माइनस एक्चुअल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए, और वो ए की मैंने कितनी बताई थी, माइनस वी साइन थीटा डायरेक्शन के कारण, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, वो प्लस, तो क्या बन गया आपके पास, कैपिटल बी प्लस वी साइन थीटा. ठीक है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, आपको पाथ फाइंड आउट करना है, आप सोल्व करके इसको कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्या, जो बुक्स आप लोगों के पास है ही उसमें से क्वेश्चन देखते हैं. पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया, उसमें से थोड़ा अलग है वो, हम सबसे पहले देखते हैं उसमें सेकेंड क्वेश्चन. A particle describes a curve of radius r with a uniform speed v. Particle जो है वो uniform speed v से move कर रहा है और क्या describe कर रहा है, circle जिसकी radius r है. Show that its acceleration at any point of the path is v square by r. इसकी acceleration निकालनी है and is directed towards the center of the circle. Direction भी बतानी है. A velocity uniform है means constant at times independent है. It means dv by dt is zero. dv by dt zero होने का मतलब जो आपकी tangential acceleration है वो क्या हो गई, zero. नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v square by rho. Rho is the radius of curvature, but in case of circle, rho is equal to r. Radius of curvature is equal to radius के ही इक्वल होती है, सर्कल के केस में है सिर्फ ये. तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है
क्या है वो अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर, बट हियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, मींस इट इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन, मींस वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्कल ऑल नॉर्मल्स पासेस थ्रू द सेंटर, क्योंकि सर्कल के केस में अगर हम कोई भी पॉइंट उसकी सर्कमफेरेंस पे कंसीडर करते हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो रेडियस वेक्टर बनता है, जो रेडियस बनता है वो उस पर क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है विच इज नॉर्मल एक्सेलरेशन विल एक्ट अलोंग इनवर्ड नॉर्मल थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, मीन्स रेडियस के अलोंग आ जाएगा, जो यहाँ नॉर्मल का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व बी कॉन्स्टेंट, यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट है और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, मींस रो आपको निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट, मींस डी टू एस बाई डी डी टू जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट से लैम्डा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय रो इज अगेन कॉन्स्टेंट से म्यू। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस बाई डी टी निकला हमारा लैम्डा टी प्लस हम कॉन्स्टेंट सी वन, और डी एस बाई डी टी क्या होता है हमारा वी होता है ना। तो आप यहाँ फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो कि डी वी बाई डी टी भी आप लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी आपका लैम्डा है ना, तो डी वी मीन्स यहाँ से वी क्या आ जाएगा आपका लैम्डा टी प्लस सी वन, क्योंकि यहाँ से डी एस बाई डी टी क्या होता है वी। नाउ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन से वी स्क्वायर पता है म्यू रो, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा टी प्लस सी वन स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी म्यू रो, क्योंकि हमें रो फाइंड आउट करना है। तो रो क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई, और इस कॉन्स्टेंट जो था हमको, हमने जो आंसर क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टेंट ए और बी हमने यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। सिंपल है इसके क्वेश्चन। प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज दिस, एक्सेलरेशन आपको बतानी है, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, मींस टाइम से इंडिपेंडेंट है, मींस वी इज कॉन्स्टेंट, मींस डी एस बाई डी टी इज जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी क्या हो गया आपका अगेन जीरो, या डी टू एस बाई डी टी टू भी जीरो। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आएगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन मींस वी स्क्वायर बाई रो, लेकिन हमें वो क्या दिखाना है, वो किस फॉर्म में दिखाना है, रो इंटू डी साई बाई डी टी, तो रो तो है हमारे पास, मींस इस वी को हटाना है और उसकी जगह साई और टी की टर्म्स लेके आनी है। तो वी को पहले तो हम हटाते हैं, वी की वैल्यू पुट करते हैं, वी क्या होता है डी एस बाई डी टी उसका होल स्क्वायर इंटू वन बाई रो। अब हमें तो आंसर में एस भी नहीं चाहिए, तो डी एस बाई डी टी को हमने कैसे लिखा, डी एस बाई डी साई इंटू डी साई बाई डी टी, ये फैक्टर ऐड कर दिया हमने, उसका स्क्वायर इंटू वन बाई रो, ठीक है। और डी एस बाई डी साई, डी एस बाई डी साई आपका क्या होता है, रो होता है, तो ये क्या बन गया रो स्क्वायर डी साई बाई डी टी होल स्क्वायर वन बाई रो, तो सोल्व करके क्या गया रो डी साई बाई डी टी होल स्क्वायर। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ प्लेन कर्व विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट पाथ इज अ सर्कल, बी कॉन्स्टेंट मीन्स डी वी बाई डी टी जीरो मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय रो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नॉर्मल ही बची क्योंकि टेंजेंशियल जीरो हो चुकी है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी क्या बची आपके पास वी स्क्वायर बाय रो, है ना। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखी है कॉन्स्टेंट, मीन्स वी स्क्वायर बाय रो इज कॉन्स्टेंट, और वी इज अगेन कॉन्स्टेंट, वी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये भी गिवन है, तो इसका मतलब रो कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट का मतलब पाथ क्या हो गया सर्कल, क्योंकि सर्कल के केस में रो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, और सर्कल के लिए रेडियस जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, चेंज थोड़ी ना होती है रेडियस, अगर हम एक बार रेडियस दे दें कि इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो तो वो रेडियस तो कॉन्स्टेंट होगी पर्टिकुलर सर्कल के लिए, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट अ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ मैनर दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इक्वल, कंडीशन है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है, इट्स वेलोसिटी वेरीज एज दिस, वेलोसिटी वेरी करेगी मींस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एस बाई सी, तो ये लैम्डा हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड किया हुआ है। एस बिंग द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व मेजर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फाइंड द पाथ, आपको पाथ फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको एस की टर्म्स में जो आंसर आएगा वो आपका एस के टर्म्स में आएगा, मीन्स ट्री नहीं आएगा उसमें आपका, तो इसलिए जो हमने यहाँ रिलेशन यूज किया वी डी वी बाई डी एस यूज किया हुआ है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो रो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी डी एस बाई डी साई, मीन्स यहाँ रेसिप्रोकल पुट हो गया, तो वी से एक टर्म कैंसिल होके एक तरफ वी की टर्म एक तरफ साई, तो डी वी बाई वी क्या आ गया डी साई, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग वी इज इक्वल टू साई प्लस लॉग सी वन, कंबाइन किया सॉल्व किया वी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू पावर साई आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू में ये है इक्वेशन थ्री में ये है, कंपेयर करें तो क्या आ गया लैम्डा ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एस बाई साई इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू पावर साई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस सी वन की कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। इनिशियली व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, अगर एस जीरो है तो साई भी क्या है आपका जीरो,
आर्क लेंथ ही नहीं है, मीन्स इनिशियली इनिशियल पॉइंट पे है वो, तो मीन्स साई एंगल जो टेंजेंट, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना आर्क पे कोई पॉइंट कंसिडर करके, और फिर वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो साई है, जब आर्क लेंथ ही नहीं है तो साई भी क्या हो जाएगा, जीरो। वैल्यू यहाँ पुट करनी है, साई जीरो पुट करना है, एस जीरो पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू सी वन आ जाएगा, और लैम्डा और सी वन अगर इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये e की पावर टेन इनवर्स एस वाई सी, ये e की पावर साई, तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो साई क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एस वाई सी, तो मीन्स एस वाई सी इज इक्वल टू टेन साई, तो एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, ऐसे आगे आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, सेवन्थ और एट अपने आप ट्राई करोगे क्वेश्चन। ये जो सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, मीन्स यहाँ आपको ये जो हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में नहीं दे रखी है, एक्स और वाई डायरेक्ट कार्टेशियन में वैल्यूज दे रखी है आपको, डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स और वाई, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है इस केस में, तो ध्यान से करना, इसमें आपको जो रो यूज करोगे जब आप नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसमें बी स्क्वायर बाय रो यूज करोगे ना, तो रो का फॉर्मूला अब जो हम यहाँ यूज करते हैं डीएस बाय डीसाई वो यूज नहीं होगा क्योंकि वो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में है, यहाँ रो का फॉर्मूला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूज होगा, या आप ऑलरेडी अपना उसमें कैलकुलस में कर्वेचर में पढ़ चुके हो, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज टू पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, वो आप लोग चेक कर लेना, वो फॉर्मूला यूज करना है आपने रो फाइंड आउट करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, ये नाइन्थ क्वेश्चन चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।